मीडिया मीडिया वाला को यहाँ आने का कोई प्रावधान नहीं है। कौन बोला आपको आपको कंधा पर बंदूक दे के कौन चलाना चाहता है? उनको सामने बुलाइए। कौन बुलाया? हम बोले, हम बुलाए, बोला है मीडिया वाला को आने का कोई प्रावधान नहीं है। वो हमारा तुम्हारा मीटर है। विद्यालय में मतलब सब्जी जो विद्यालय में मिला था खाना उसमें पिलुआ था। सोयाबीन सरल रहे फिर आप एच एम सर को बोले जी। दरभंगा डीओ साहब से बात हो रही है? हाँ हो रही है। मैं विश्वनाथ मंडल क्राइम सर्च खबर जिला संवाददाता बोल रहा हूँ सर। बोलिए जी सर। एक समस्या है, बिरौल प्रखंड अंतर्गत मनोर भोराम पंचायत है और वहाँ पर जो है सो मध्य विद्यालय अम्बा, वहाँ की जनता का कहना है जो एच एम सर कभी टाइम पर नहीं आते हैं और मिड डे मील में जो है समस्या है, कभी खाना टाइम पर बच्चों को पेट भर के नहीं मिलता है। और क्या मार्च के बाद जांच कराएंगे? अभी भी पत्र वगैरह की निकासी का है जी। इसमें सर जो है ना जांच करवा दीजिए, मगर आपका बाइट चाहिए सर। हैं अधिकृत विभाग से नहीं है जी। जी बाइट तो डीएम साहब अधिकृत हैं जिला में, हम लोग बाइट नहीं दे सकते जी। तो हम खबर चलाएंगे, कोई दिक्कत पर आप चला दीजिए। अम्बा में हम आए हुए हैं और यहाँ के एचएम के ऊपर में आरोप लगाए, यहाँ का पब्लिक जो मिड डे मील में समस्या खड़ा करते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, उसी के बारे में शिक्षक शिक्षक महोदय से मैं कितनी देर से कह रहा हूँ सर, बाहर आकर के अपना बाइट दीजिए। बाइट नहीं देना चाहते हैं, आखिर ना जाने क्या वजह है। कल को हो सकता है मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में, कल को हो सकता है मुझे फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। आइए स्कूल के अध्यक्ष जी हैं, इनसे दुल्हन सवाल करते हैं। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, शिक्षक महोदय से कितनी देर से हम बुला रहे हैं, बाहर बाहर क्यों नहीं आना चाहते हैं? सर हम भी बोले हैं उनके आने के लिए, वो बोला। नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल, आप देख रहे हैं क्राइम सर्च खबर। दोस्तों बिरौल प्रखंड अंतर्गत मनोर भराम पंचायत है, यहाँ पर विद्यालय को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आइए जानते हैं आखिर समस्या है तो है क्या। बताइए सर क्या समस्या है? सर समस्या सबसे पहली तो ये है, आज बिहार दिवस है, आज शिक्षकों को आना था 6:30 बजे, जो एचएम सर अभी तक नहीं आए हुए हैं, न कोई बिहार दिवस मनाया गया है यहाँ पर। दूसरी बात, स्कूल को जो समस्या है सब तो भोजन, अभी आज शिक्षक अभी तक एचएम सर नहीं आए, टाइम क्या हो रहा है? लगभग 8:30 मीडिया वाला को यहाँ आने का कोई प्रावधान नहीं है। कौन बोला आपको आपको कंधा पर बंदूक दे के कौन चलाना चाहता है? उनको सामने बुलाइए। कौन बुलाया? हम बोले, हम बुलाए, बोला है मीडिया वाला को आने का कोई प्रावधान नहीं है, वो हमारा तुम्हारा मीटर है। हम विद्यालय के अंदर तो नहीं ना गए? नहीं सर, आप विद्यालय के अंदर नहीं गए हैं, उनको हम बार बार बुला रहे हैं, वो बोल रहा है वहाँ हमको जाने का कोई अथी नहीं है, हम वहाँ जेबे नहीं करेंगे, उनसे हमको बात करने का कोई दायित्व नहीं बनता। कौन है आप स्कूल से, क्या पद है आपका? हम अध्यक्ष हुए, वार्ड सदस्य हुए। कल को अगर मुझ पे अगर मीडिया पे कोई कार्रवाई हो तो फिर आप क्या कीजिएगा? हम आपके साथ रहेंगे जी, साथ रहिएगा, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? उनको सत्यनारायण यादव नाम है। बिहार सरकार जो मीडिया को विद्यालय में जाने पर रोक लगा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? अभी क्यों रोक लगाए? बिहार सरकार रोक लगाना चाहती है जो उसकी खुशी विद्यार्थी मास्टर बैन को नहीं जाने, विद्यालय में क्या जो है त्रुटि है उसके बारे में जो है उजागर नहीं हो। यहाँ जो है शिक्षक लेट से आते हैं और जब आते भी हैं तो 2 घंटा से ज्यादा जो है क्लास में होता है, सभी बच्चे बाहर में जो है घूमते हैं, कोई उसका देख रेख नहीं करता। पीना ले लटेल सटेल देखे तो तेरे बार के खाए के पेड़ में पेले, मतलब बच्चों को खाना भी सही से इस विद्यालय में नहीं मिलता। पाचे भाग लटेल सटेल, आप अपने मुखिया को कहे मुखिया कहे ला 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 मुखिया न कोई सूचना लगाते हैं न कुछ लगाते हैं। अभी भी हम सब ग्रामीण लोग आए हैं तो देखे हेडमास्टर स्कूल में नहीं है, उनका कोई भी सूचना नहीं है। बिहार दिवस के शुभ अवसर पे विद्यालय से हेडमास्टर गायब है, लेकिन उनका कोई भी सूचना नहीं है कि कहाँ है, कौन काम से निकले हुए हैं, कि विद्यालय क्यों नहीं आया। हम लोग पूरे ग्रामीण मिलकर के फोन किए तो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। और बात यह रहा सर, जो अभी रजिस्टर हम पूरे ग्रामीण लोग चेक किए हैं कि पूरे क्लास 1 से लेकर 8 तक को, तो एक भी में लगभग 19 से लेकर अभी तक हाजिरी नहीं बना, सिर्फ बिंदु लगाकर छोड़ दिया गया है, वो हम दिखा सकते हैं। और खाना भोजन तो डेली बनता है विद्यार्थी को, वही चार्ट चेक करते हैं हेडमास्टर गायब है,
वो देखते हैं जो कितना का वो चाट के भोजन वो अपना डायरी पर नोट करते हैं अभी स्कूल में कितना का बनता है। चाट नहीं लगा हुआ है, चाट वो नहीं है। जो भी बच्चा प्रेजेंट रहता है उसको भी भोजन अच्छा से नहीं मिलता है। लगभग मेरे स्कूल में 250 बच्चा आता है पढ़ने के लिए, लेकिन भोजन लगभग 400 के आसपास भोजन चाट बनाते हैं मास्टर। एक बात बताइए, मीडिया आज आपके गांव में आई हुई है यहां पे विद्यालय के आगे, अगर कल को शिक्षक अगर मीडिया पे कार्रवाई कर दे फिर क्या कीजिएगा? हम ग्रामीण लोग आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। हाँ, आपके साथ एकदम साथ रहेंगे हेडमास्टर। यहाँ पे खुद भी जब जिस घर का गार्जियन है गलत चलेगा उस क्यों बनी जाती है कि शिक्षक का ढिलाई है, एचएम सर जो है ना समय से नहीं आते हैं, इसीलिए विद्यालय का ये परिस्थिति है। अभी मेरे विद्यालय बहुत जर्जर है, यहाँ पे 9 शौचालय का व्यवस्था है। उसके बाद जो भी शिक्षक है उसके मानसिक तौर पर दबाव दिया जाता है, उसको परेशान करते हैं एचएम सर। क्या कहते हैं उसको, जैसे खुद तो अपने आते नहीं टाइम से, कभी नहीं टाइम से आते हैं, जब मर्जी जब चले जाते हैं। जैसे 3 बजे तक उसको छुट्टी होने का टाइम होता है, जो 4 बजे तक, 3 बजे 4 बजे तक उसको टाइम होता है, तो वो 10 बजे कभी चले जाते हैं, कभी 12 बजे चले जाते हैं। मतलब अपना मन से आते हैं, अपना मन से जाते हैं। तो विद्यालय समस्या है, लेकिन जो है सो शिक्षक समय पर नहीं आता है, इसके कारण जो है सो शिक्षक को हम कहेंगे सो समय पर आए, अपना क्लास शुरू करे, क्लास बच्चों का अच्छे शिक्षा।